सो इलेक्शन का टाइम चल रहा है इंडिया के अंदर जनरल इलेक्शन फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर फ्रेंड्स लोकसभा का जो इलेक्शन पीरियड चल रहा है उसको सेवन फेज में डिवाइड किया गया है सो सेवन फेज जो फेज है दैट इज ओवर एट द फर्स्ट ऑफ जून यस फ्रेंड्स एंड हमारे माइंड में क्वेश्चन रहता है क्या इसके बाद मार्केट क्रैश होगा बिकॉज सो मेनी रूमर्स गोइंग आउटसाइड ऑफ द यू नो इन न्यूज चैनल्स एंड एवरीवेयर के जून के बाद मार्केट में बड़ी गिरावट आ सकती है क्या हमें एज अ लॉजिकली सोचना चाहिए ओके okay, फ्रेंड्स ऐसा नहीं है रूमर्स में अगर आप आके डिसीजन लेते हो तो दैट्स नॉट गुड एज वेल फ्रेंड तो यहाँ पे uh, आपको पूरा रिसर्च करना चाहिए एनालिसिस करना चाहिए उसके बेस पे आपको No, मतलब की डिसीजन लेने चाहिए फ्रेंड्स yes तो यहाँ पे ऑफ़ जून को अपना जो इलेक्शन है इंडिया का वो कम्प्लीट होगा ओके okay, सारी सीट के ऊपर और उसके बाद आपका जो काउंटिंग है वो फोर्थ जून से स्टार्ट हो जाएगा यस yes फ्रेंड तो ये अभी ये जो इलेक्शन का पर्व चल रहा है ठीक है फ्रेंड्स तो

आप देखते हो तो इट्स uh, की गोइंग कंप्लीटली होती है कि मार्केट जो ये आपको ब्लू लाइन दिख रहा है फिफ्टी सिंपल मूविंग एवरेज अबोव दन फिफ्टी डेज सिंपल मूविंग एवरेज दैट इज अ ग्रीन लाइन एंड दैट इज अबोव द टू हंड्रेड डेज सिंपल मूविंग एवरेज दैट इज अ रेड लाइन तो तीनों जो मूविंग एवरेजेस है वो स्लोपिंग अप है एंड uh, एक दूसरे के नीचे मतलब दैट्स इंडिकेशन ऑफ कंप्लीट अप ट्रेंड डेफिनेशन ऑफ अप ट्रेंड ओके फ्रेंड्स और राइज कैंडल भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कंटिन्यूअसली शेयर हायर राइज पैटर्न में दिख रहा है सी इफ यू ड्रो द थिंग्स इट्स मेकिंग हाई हाईज ओके then again uh, this is low and then high and then again it's a trending high okay so that's a completely higher highs and higher lows okay so that's a also definition of uptrend so trend is your friends okay so jab trends <laughs> up hai taptak share price going to higher that's a higher <laughs> probability यस फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने थोड़ा इंटरेस्टिंगली uh, एक रिसर्च किया है टेक्निकली तो आप अगर यह यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पे देखते हो तो ये दो लाइन दिखी है ऐसी दिस टू लाइन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइन बिकॉज जब मार्केट यहां से यहां से ऑन द डेट ऑफ डिसम्बर डिसेंबर से जब मार्केट यहाँ से uh, पिन बार मारा उसके बाद इट्स मेकिंग ओके सपोर्ट ऑन दिस ट्रेंडिंग इफ यू सी दैट इट टचिंग टू दिस दिस लाइन एक्टिंग एज अ सपोर्ट यू नो सो दिस दिसन टू थ्री फोर फोर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वी हैव फाइंड इन द चार्ट ओके एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग दर इज अ वन रजिस्टेंस ऑन द अपसाइड एज वेल सो हियर द रजिस्टेंस वन Two and three. Now it's a conform, you know. ट्रेंडिंग रजिस्टेंस जब टच करता है, जब उसके होता है so तो ये दो लाइन आपके चार्ट में आप इंडिकेशन कर दीजिए जब तक ये दो लाइन ब्रेक आउट नहीं हो जाती तब तक आपको कोई टेंशन नहीं है See, uh, दो लाइन मतलब कि आपको तो अप साइड जाता है तो आपको कोई इश्यू नहीं है आई थिंक सो राइट आप जब डाउन साइड शेयर्स जाता है तभी हमें इश्यूज होते हैं राइट फ्रेंड तो आपको कब तक होल्ड करना है सॉरी ओके यस आपको कब तक होल्ड करना है जब तक आपको मतलब कि ये जो uh, मैंने यहाँ पे लाइन्स ड्रो की है राइट right? अगर ये जो लाइन्स है इसके नीचे जब तक ये शेयर प्राइस के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करे उस टाइम पे आपको एग्जिट करना है सी तब तक आपको होल्ड करके रखना है ओके okay? uh, ये दो लाइन वेरी इंटरेस्टिंग लाइन मूविंग एवरेज वगैरह आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है यस yes, फ्रेंड ये दो दो लाइन मैंने आपको दे, दे के रखी वो दो लाइन आपके चार्ट में आप ड्रॉ कर दीजिए ओके इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वाई बिकॉज इट्स ऑलरेडी प्रूवन दिस लाइन इज ऑलरेडी प्रूवन यस फ्रेंड तो यहाँ पे जब भी, भी आपको यहाँ पे एक ऐसा पैटर्न देखने को मिला बिकॉज अगर आप एक, एक चीज वॉच करते हो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ये ये देखो जैसे यहां से ये शेयर प्राइस नीचे आई यस फ्रेंड तो ये जो कैंडल था दैट इज अ रेड कैंडल उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना तो दैट्स कंफर्मेशन कि यहां पे ये बाउंस हुआ राइट right? उसके बाद यहां पे टच किया उसके बाद जो दूसरा कैंडल है उसके ऊपर ही हाई राइज बना इसके बाद यहां पे हुआ उसके बाद हाई राइज बना जिस दिन ये शेयर्स यहां पे नीचे आए ओके okay? यहाँ पे कोई रेड रेड कैंडल कैंडल हो, ओके? Okay? और उसके बाद दूसरा एक लोअर बने, right yes, राइट कब तो हमें एक्सिट करना है दिस इज नॉट फॉर एनी इन्वेस्टर स्पेशली आई डिस्कस बिकॉज इन्वेस्टर के लिए ये सारी चीज कोई मान्य नहीं है जस्ट हाँ आपके लिए एंटरटेनमेंट परपज लिये आप मार्केट देखते रहे तो दैट्स ओके एंड इट्स आल्सो अपॉर्चुनिटी टू एडिंग मोर शेयर्स व्हेनेवर शेयर्स मार्केट इज ड्रॉप यस बट दिस स्पेशली फॉर यू नो ट्रेडर्स इन फ्यूचर ऑप्शन और इंट्राडे और एम टी एफ ट्रेडर ये तो जो लोग ये ट्रेडिंग कर रहे हैं डिलीवरी के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इन लोगों के लिए मार्केट का मूवमेंट बहुत जरूरी होता है तो मैं नहीं बोलता हूँ कि यहाँ से नीचे आएगा इट्स पॉसिबल एनी टाइम इट्स पॉसिबल इलेक्शन के बाद शायद हो भी सकता है ऐसा नहीं नहीं हो सकता है ओके फ्रेंड्स बट यू नो यू डो नॉट हैव टू ट्रस्ट इन रूमर्स और न्यूज और एनीथिंग एल्स यू नो मार्केट ऊपर भी जा सकता है इट्स पॉसिबल आफ्टर इलेक्शन के अंदर अगर अच्छे से Uh, क्योंकि स्टेबल गवर्नमेंट आने के चांसेस ज्यादा है जो अभी अभी ऑलरेडी अपने जो गवर्नमेंट से वो गवर्नमेंट आने के चांसेस ज्यादा है सो मार्केट मे भी गो अप टू मीन्स ट्वेंटी फोर थाउजेंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पॉसिबल एवरीथिंग इज पॉसिबल यू नो वी नेवर प्रेडिक्ट इन फ्यूचर्स यू नो क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे सर्टेन पॉइंट्स है बहुत सारे ऐसे मूविंग पार्ट्स है जो Uh, आपके कंट्रोल में नहीं है हमारे कंट्रोल्स में नहीं है कितनी शीट्स आएंगी कितना प्रेशर्स आएंगे रिजल्ट्स के अंदर दैट्स नॉट इन अवर कंट्रोल सो वी कैन नॉट प्रेडिक इन फ्यूचर सो यू नो वी हैव टू जस्ट वर्क ऑन प्राइज एक्शन एंड दैट्स आई ड्रॉन ओवर इयर ऑफकोर्स वन जो पॉइंट uh, है जो मेरे माइंड में जो चलता रहता है वो मैं आपको शेयर करता हूँ अगेन इट्स नॉट एनी गारंटेड ओके बट आई आई थॉट दैट अगेन मार्केट ट्वेंटी थाउजेंड तक जा सकता है once a while you know because market never goes up in straight line you know in between there is a corrections yahan pe aapko chote chote corrections hame dekhne ko mil rahe si this is the correction aur aise corrections aate rahenge ye corrections hai this is a correction and abhi tak deep corrections koi nahi aaya you know और अगर यहाँ से 22,000 से अगर deep corrections आता है तो अगर हम measure करते let us से यहाँ से 23,000 से अगर corrections आता है तो let's calculate it. Okay. Oh, sorry. या इट्स अ ट्वेल्व परसेंटेज करेक्शन अगर ट्वेंटी थ्री थाउजेंड को टच करके मार्केट नीचे आता है तो दट अ हेल्दी करेक्शन आई थिंक सो अप अपू फिफ्टीन परसेंटेज इट्स अ हेल्दी करेक्शन और हेल्दी करेक्शन चाहिए मार्केट के अंदर जब हेल्दी करेक्शंस आते हैं तो इट्स प्रोवाइडिंग मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी फॉर द इन्वेस्टर्स एंड जो रिटेलर्स है जो लोग मार्केट के अंदर ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है उनको भी एक सबक मिलता है जब भी एक हेल्थी करेक्शन सो होप यू लाइक दिस दिस वीडियो वीडियो होप यू एंजॉय बिकॉज द फंडामेंटल फैक्ट आपको जानना चाहिए कि नो बड़ी कैन प्रिडिक सब कुछ अनसर्टिनिटी होती है मतलब कुछ भी हो सकता है मार्केट्स के अंदर ओके okay? और वन इंटरेस्टिंग थिंग्स कि आपको रूमर्स और न्यूज पे को फॉलो नहीं करना है आपको ट्रेंड्स फॉलो करना है चार्ट फॉलो करना है और बेस्ड ऑन रिजल्ट आप कुछ डिसीजन ले सकते होके फ्रेंड्स सो होप यू लाइक दिस वीडियो होप यू एन्जॉय दिस वीडियो एंड अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो आप देखते रहिए थैंक यू फॉर वॉचिंग